उसे ये खत्म करना चाहते हैं और टेक्निकल तरह से खत्म करना चाहते हैं। आपने देखा होगा 10% रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन। एक सवाल सुन लीजिए मुकेश जी, एक सवाल सुन लीजिए। 80% लोगों का हक था वो 70 साल में नहीं मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे बैकवर्ड भाई हैं, जिन बैकवर्ड भाई को वो टेक्निकल तरीके से उनके मन और दिल पर राज करना चाहते हैं। बैकवर्ड का ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये लड़ाई पिछड़ा बड़ा मगड़ा है मुकेश भाई? विधायक जी एक चीज तो सुनिए, जनता पार्टी 85% लोगों को लीलने का काम कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, मन में बहुत कुछ है विधायक जी। नागनाथ है ये, सांपनाथ है ये, नागनाथ है विधायक जी, सांपनाथ है ये। लड़ाई पिछड़ा बना बगड़ा की है क्या? ये पिछड़ों की लड़ाई की बात है। तो बीजेपी के आंकड़ों की पार्टी है ये पिछड़ों की लड़ाई की बात है। ये बताइए बीजेपी का आंकड़ों की पार्टी, बीजेपी तो केवल 5% लोगों की पार्टी है। कौन है 5% पार्टी है? ये बड़े लोगों का ही काम करती है, ये बड़े लोगों का ही काम करती है समाजवादी पार्टी। तो ये मुकेश वर्मा जी हैं जो बता रहे हैं कि बीजेपी अगड़ों की पार्टी है, 5% वोट बैंक रह गया है बीजेपी का। लेकिन काफी तल्खी नजर आ रही है मनीष, जो वो भाषा इस्तेमाल कर रहा है ऐसा लग नहीं रहा था कि 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर पहले वो बीजेपी में थे। मनीष बिल्कुल रवि, पिछड़े समाज से आते हैं, लोध वोट बैंक पर खासा पकड़ मानी जाती है शाहजहाँपुर इलाके में, लखीमपुर इलाके में। कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जो कि लोध समुदाय से आते थे, 2.5 साल में मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें हटा दिया। दूसरे नेता जो धर्मपाल सिंह है बरेली से आते थे, सिंचाई मंत्री पद पर थे, बीजेपी ने 2 साल रखा और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा ले लिया गया। तो नाराजगी लोध वोट बैंक में, ऐसा वो कह रहे हैं। और ये लड़ाई अब वो बता रहे हैं कि चुनाव जिस दिशा में जा रहा है वो पिछड़ा बना अगड़ा हो रहा है। और बीजेपी के अगड़ों के वोट बैंक को संभाल, और विधायक जो वहां पर बागी विधायक है बीजेपी के वो पहुंच रहे हो, अगर उनसे आप बात कर पाए तो। देखिए 2 विधायक अभी तक पहुंचे हैं, बृजेश प्रजापति और मुकेश वर्मा, दोनों से हमने बात की है। बृजेश प्रजापति का कहना है कि 11 बजे समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं का जुड़ावड़ा जमावड़ा यहां पर शुरू हो गया है। और मुकेश वर्मा दावा कर रहे हैं कि 20 विधायक आज समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनेंगे। हालांकि अभी तक 1 दर्जन विधायक नहीं हो पाए, लेकिन वो दावा उनका 20 का है, कुछ एक मंत्री भी हो सकते हैं ऐसा वो कह रहे हैं। अब तस्वीर साफ हो पाएगी जब समाजवादी पार्टी कार्यालय में ये लोग पहुंचेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर। इन सभी जो बीजेपी छोड़कर लोग आए हैं उनका पहले बैठक होगी और उसके बाद स्वामी प्रसाद। ठीक है, तो 11 बजे का इंतजार रहेगा जो समय दिया गया है। और 11 बजे सपा दफ्तर पर किस तरह की हलचल होती है ये भी देखने में दिलचस्प होगा। वीरेंद्रनाथ भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, ये जो बातें कही जा रही हैं कि भाई परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्शन ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में परसेप्शन जो एक मत बनाया जा रहा है, तो उसका बड़ा महत्व है। अध्याय ने कही है परसेप्शन की बात, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। अभी पिछले 4 दिनों से जब से ये विवाद शुरू हुआ है, इट हैज गिवन ओनली बैड ऑप्टिक्स टू द बीजेपी। लेकिन यहां मैं केवल एक बंसी का जिक्र करना चाहूंगा जिनका भी बाइट आपने लगाया सुनाया, धर्म सिंह सैनी। 2007 से 12 के बीच में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ये कैबिनेट मिनिस्टर थे और 2017 से 22 तक बीजेपी में ये राज्य मंत्री रहे, आयुष मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार था, तब इनका दम नहीं घुटा। 5 साल जो है कैबिनेट मिनिस्टर रहने के बाद ये राज्य मंत्री रहे, आज एकाएक इनका दम घुट रहा है। ये सारे ऐसे लोग हैं जिनके सबके टिकट कटना 100% तय था, ये वो लोग हैं। और आपने एक बात गौर की होगी, जितने मंत्रियों के इस्तीफे हैं, किसी मंत्री के इस्तीफे में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की आलोचना नहीं है। नहीं तो, लेकिन अब सवाल ये है सर, सवाल ये है कि अखिलेश यादव अगर इन लोगों पर दांव लगाते हैं, इन लोगों पर बाजी लगा रहे हैं, तो क्या वो फायदे का सौदा होगा? तब जबकि आ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो मुसीबत थी वो तो है, वो खत्म हो जाएगी। अब मुसीबतों का दौर समाजवादी पार्टी के लिए शुरू होने वाला है। वहां बड़ी संख्या में लोग नाराज हैं कि ये जो दल बदलुओं की बारात आ रही है भारतीय जनता पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से पहले आ चुके हैं, यदि उनको समाजवादी पार्टी, यही सवाल तो मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहा तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।